राज्य निर्वाचन आयोग की लाख सख्ती के बावजूद भी संत कबीर नगर जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जानकारी के मुताबिक पिछले दिनों ग्राम पंचायत की मतगणना में धांधली के आरोप लगे हैं, जिसका पता लगाने के लिए कुछ असंतुष्ट उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में मतगणना में धांधली की शिकायत को लेकर एक याचिका दायर की। हाईकोर्ट के आदेश के तहत SDM ने रीकाउंटिंग का काम जैसे ही शुरू कराया, वैसे ही अधिकारियों और जीते प्रत्याशियों की मिलीभगत सामने आई। आपको बता दें कि पुनः मतगणना में जहां जीते हुए दो ग्राम पंचायतों के निर्वाचित ग्राम प्रधान अपनी कुर्सी गंवा बैठे, वहीं तीसरे ग्राम पंचायत की गिनती न होने के चलते परिणाम बेनतीजा निकला। इस मामले में प्रशासन की भूमिका अब सवालों के घेरे में है। कई ऐसे सवाल हैं जिनके संतोषजनक जवाब देने में SDM राम जीवन के भी पसीने छूट रहे हैं। रीकाउंटिंग के दौरान बैलेट बॉक्स में 100 अवैध मत कहां से आए, इसको लेकर अभी तक जवाब देने की स्थिति में कोई है नहीं। तो संत कबीर नगर की ये घटना हम आपको बता रहे हैं, जहां पर ग्राम पंचायत की रीकाउंटिंग में एक बड़ी धांधली सामने निकल कर आ रही है। बैलेट बॉक्स में 100 अवैध मत कैसे आए, कहां से आए, इसको लेकर कोई जानकारी दे पाने में सक्षम नहीं है। पुनीत ओझा हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पुनीत, ये बताइए कि इस धांधली से पर्दा कैसे उठेगा, क्योंकि रीकाउंटिंग तो हुई लेकिन उसके परिणाम बड़े चौंकाने वाले आए हैं, और ये 100 अवैध मतों की कहानी क्या है? यही 100 अवैध मत जो है वो पूरी धांधली का पर्दाफाश कर रहे हैं, और इसी बात की फिक्र को लेकर के जो वादी थे वो हाईकोर्ट में गए थे। पहले तो उन्होंने लोकल कोर्ट में अपना वाद दाखिल किया था, फिर बाद में जब उन्हें यहाँ से न्याय नहीं मिला तो हाईकोर्ट गए थे। हाईकोर्ट